बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इत्माद इंटरनेशनल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से। एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट जो यहाँ के लोगों की तकदीर को बदल देगा। हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों और यहाँ पर मुहित हाउसिंग सोसाइटीज़ की ज़िंदगी बदल देगा। और अगर कहें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कहें कारोबारी सतह के हवाले से, या अगर कहें रहन सहन के हवाले से। अब अगर इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट में अभी भी रावलपिंडी की इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 5000 के करीब 5158 केनाल लैंड को अभी भी एक्वायर करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रावलपिंडी रिंग रोड। ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि रावलपिंडी रिंग रोड की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। 38.5 किलोमीटर का रावलपिंडी रिंग रोड, जिसके लिए अभी 5158 केनाल लैंड एक्वायर करनी रह गई है रावलपिंडी इंतज़ामिया ने। ये ख़बर है जनाब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, और ये ख़बर दी गई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे। तो एक तो पहले ये अपडेट है, दूसरी अपडेट ये है कि चकबेली खान और खसाला कुर्द पर डेवलपमेंट का काम जारी है, तेज़ी से जारी है, और इस प्रोजेक्ट को तरजीही बुनियादों पर ख़त्म करने की, कंप्लीट करने की सिफारिश की गई है इंतज़ामिया की जानिब से। इस प्रोजेक्ट में बहुत से रियासती इदारे भी शामिल हैं, और अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी का एक दर्जा रखता है। और अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो ये प्रोजेक्ट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमाम तर सराउंडिंग्स को कनेक्ट करेगा। 33.7 बिलियन रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में बहुत से ऐसे अगर कहें इंटरचेंज शामिल हैं जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को आपस में कनेक्ट करेंगे। अगर इस कनेक्शन के हवाले से बात की जाए, तो चकबेली रोड, अडियाला रोड, चक्री रोड और M2 मोटरवे और थलिया इंटरचेंज को ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा, यानी कि रावलपिंडी रिंग रोड कनेक्ट करेगा। अभी काम सिर्फ चकबेली खान और खसाला खुर्द के एरियाज़ पे हो रहा है। यहाँ पर आप इमेजेस को देख सकते हैं कि किस तरजीही बुनियादों पर काम हो रहा है, लैंड को लेवल किया जा रहा है। और अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाए, तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि अगर बात करें रूरल इनक्लेव के मिड से होके जा रही है, इसके साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, और इसके साथ साथ सिल्वर सिटी थलिया के अगर मकाम पे हम बात करें तो सिल्वर सिटी आ जाती है। तो बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द होने की वजह से एक ख़ास मकाम रखती है, ख़ास दर्जा रखती है। अब आपको इस लोकेशन की कनेक्टिविटी के हवाले से अगर बताता चलूँ, तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रावलपिंडी में मुकीम हैं और आपने M2 मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी जाना है, तो आपको अच्छा खासा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप रावलपिंडी रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि चक्री को टच करेगी, चक्री के साथ इंटरलिंक्ड होगी, तो ऑब्वियसली वो रास्ता आपको कम पड़ेगा। इसी तरह आप थलिया की मिसाल ले लें, इसी तरह आप चकबेली रोड की मिसाल ले लें, आप अडियाला की मिसाल ले लें, अगर आपने रूडन जाना है आप चक्री की मिसाल ले लें, जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ का गढ़ समझा जाता है, तो ये रोड ऑब्वियसली बहुत से लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। और इस रोड की कनेक्टिविटी के साथ, इस रोड की कंप्लीशन के साथ, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के साथ बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। और जिस मकाम से कोई भी सरकारी सड़क गुजरती हो, ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल होती है, वो मुनाफा बख्श होती है। आपने रिंग रोड, लाहौर रिंग रोड के हवाले से देखा होगा। तो इस्लामाबाद रियल एस्टेट मार्केट में ये प्रोजेक्ट काफ़ी आम है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर चकबेली तक जितने भी प्रोजेक्ट्स इसके साथ कनेक्ट होंगे, इसके साथ मुंसलिक होंगे, उन तमाम तर को फ़ायदा होगा। अगर आप इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की सराउंडिंग में, इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो एतमाद इंटरनेशनल से रब्ता करें, क्योंकि एतमाद इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने की गारंटी देता है, अगर आप दिए गए प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ्रॉड भी होते हैं, जो कि ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नाकाम भी होते हैं, लेकिन एतमाद इंटरनेशनल आपको हमेशा उस प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करेगा, उस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएगा जो कि ट्रस्टवर्दी है, जाके डेवलपर्स ट्रस्टवर्दी है और आपको डेवलप करके देंगे। तो जनाब ये थी अपडेट रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से। 33.7 बिलियन की लागत से बनने वाला रावलपिंडी रिंग रोड, जो कि अभी भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, जैसे कि आपको बताया कि अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 5160 के करीब किनाल के करीब लैंड को
परचेज करना है, लैंड को अपने लैंड को लेना है फॉर द कम्प्लीशन ऑफ रावलपिंडी रिंग रोड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहें इतमाद इंटरनेशनल और नीचे के दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। अल्लाह ने के बाद।